बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम आए हैं अपने तिली की फसल में, तो माशाल्लाह जर्मिनेशन चेक करें, बहुत ज़बरदस्त हुई है। सीड रेट ज़्यादा हो गया, ये पता नहीं छट्टा मारने वाले ने वो ठीक छट्टा नहीं लगाया। ये देखें बहुत ज़्यादा ना घने पौधे हो गए हैं। हमने आज इसको स्प्रे करवाना था, ये चेक कर सकते हैं इस पर, ये सूंडी का अटैक हो गया। ये देखें ये पौधे छलनी हो गए हैं, इसके सूंडी का अटैक है। लेकिन इस सूंडी को देखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत बारीक सी होती है। ये मैं एक पत्ता तोड़ लेता हूँ, ये शायद मैं आपको दिखा सकूँ। ये छोटी सी बैठी हुई है, इतना अच्छा तो कैमरा नहीं है कि जिसे मैं आपको फोकस करके दिखा दूँ, कोई और मैं ढूंढता हूँ। लेकिन बहुत बारीक सूंडी होती है जो कि आम आँख से देखना बहुत मुश्किल होता है। तो जिन भाइयों ने लगाई हुई है आप उसकी पेस्ट काउंटिंग ज़रूर करें, सूंडी का अटैक काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। तो इसके लिए आज ये जो हम स्प्रे कराने लगे हैं, स्प्रे है जी ये सजिंटा की विटाको 40WG। इसके अंदर भी वही क्या बोलते हैं FMC की कोराजिन वाला जहर है, थायमिथाक्सम है 20% और क्लोरेंटनिलीप्रोल 20%। ये जहरे हैं, ये भी किसान दोस्त और माहौल दोस्त जहरे हैं, इनसे जो क्या बोलते हैं मुफीद जो कीड़े होते हैं उनको कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये दुश्मन कीड़ों को ही किल करती है। ये मैं इंशाल्लाह स्प्रे कराने लगा हूँ, अभी स्प्रे में नहीं आया, मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लूँ। इसको इब्तदाई स्टेज पे इधर ही कंट्रोल कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पौधे अभी छोटे छोटे हैं और इनके ऊपर इसका शदीद अटैक हो जाए तो विद इन 5-7 दिन में ही ना आपकी जो फसल है ना वो बिल्कुल ज़ीरो कर देगी। तो अपनी फसल जो है उसका ख्याल रखें, पेस्ट काउंटिंग करें, बहुत ज़्यादा हमला है इधर, तो बेहतर यही है कि इसको टाइमली कंट्रोल कर लिया जाए। बाद में जो आप कंट्रोल करेंगे उससे आपका बहुत ज़्यादा ज़ोर लगेगा। ये देखें बहुत शदीद अटैक है, तो बेहतर यही है कि ना इसको अर्ली कंट्रोल कर लिया जाए। स्प्रे विटाको की करने लगे हैं, ये बहुत अच्छी जहर है, यही जो कोराजिन वाला जहर है क्लोरेंटनिलीप्रोल। सजिंटा में इसके 2-3 और ब्रांड बने हुए हैं, विटाको के नाम से है यही जहर, और वॉल्यूम फ्लेक्सी में भी यही जहर है, और एक उन्होंने लास्ट ईयर फिर एक जहर लॉन्च किया एम्पलीगो के नाम से, उसमें भी यही जहर है और साथ में लैम्डा मिक्स किया हुआ है। यानी कि ये जहर इतना अच्छा जहर है कि हर जहर के साथ कम्बिनेशन बना रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि माहौल दोस्त है और किसान के हक में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं।